खानगाव संघाचा एक 12वा प्रतिनिधी इथं हजर पाहिजे, नाही ते आपल्याला पेनल्टी सामोरं जावं लागल. त्याचबरोबर दिघी संघाचा एक 12वा खेळाडू इथं पाहिजे, नाहीतर पेनल्टीला स्वीकारावी लागेल आपल्याला. ट्वेल्थ मैन शुभम भाई गेंदबाज, शुभम जाधव. शुभम जाधव फ्रंट लाइन के गेंदबाज और लगातार ही शुभम बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते भी आए, जबकि उनके सामने बल्लेबाज साद और अबरार. अपॉर्चुनिटी रहेगी अबरार के लिए. 100-100 रुपए का इनाम आया है फैसल और फरहान की तरफ से. पहली गेंद डॉट. तो अबरार और साद की जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पर पहुंची है. अबरार भाई, जिनके बारे में अभी अभी बताया भी था मुदस्सर ने, एक बड़ी हस्ती है और तीन त्रिमूर्ति जिनके तरफ से बड़ा टूर्नामेंट, 2 लाख फर्स्ट प्राइज, 1 लाख सेकंड प्राइज, 50,000 थर्ड प्राइज एंड फोर्थ प्राइज 35,000. 4 बाइक ये इस एरिया का ही नहीं बल्कि मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि रायगढ़ में जितने 14 तालुके हैं उसमें सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा. मैच साथ में हम खिलाना चाहते हैं. एग्जीबिशन मैच लेकिन वो होगा श्रीवर्धन तालुका वर्सेस दूसरा कोई और एक तालुका सिलेक्ट किया जाएगा. अच्छा, जैसे कोपरा ग्राउंड में श्रीवर्धन और मसला तालुके का एक एग्जीबिशन मैच 7 तारीख को होने जा रहा है फाइनल के दिन, उसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप दिगी की भी कोशिश होगी कि एग्जीबिशन मैच होगा. श्रीवर्धन का नाम तो डिक्लेयर है, दूसरा नाम कौन सा होगा यह भी एक सस्पेंस है. जो भी होगा लेकिन हर एक तालुके को लेकिन श्रीवर्धन के साथ में ही खेलना होगा. ये साल अगर श्रीवर्धन के साथ अगर मसला तालुका खेलता है. अगली गेंद अच्छी गेंद थी, फुटवर्क ने यहाँ पर दिखाई दिया बल्लेबाज का, एक रन जरूर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. मुश्ताक भाई तो आते साल दूसरा तालुका खेलेगा और उसके लिए एक छोटी सी इनामी राशि रखी गई है, 15,000 रुपया. वो तो चाहिए भी समझो इनामी राखी, क्योंकि इतने दूर दूर से सभी खिलाड़ी खेलेंगे तो उनके लिए एग्जीबिशन मैच में भी कुछ इनामी रकम होना चाहिए. जैसे मुझे ऐसा लगता है कोपरा ग्राउंड पे 11,000 का इनाम है. मुदस्सर भाई, हमारे मुरूट तालुके में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था एसए इंटरप्राइजेस मुबीन भाई घलटे की जानिब से, जिसका कैश प्राइज था 2 लाख रुपये. थॉमस डाइस के बारे में मुश्ताक भाई कहना चाहूँगा. SPL अभी जो गोवा में टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज बाइक लेकर अभी हाल ही में आए हैं थॉमस डाइस. तो यहाँ पर शायद थॉमस डाइस भी पहुंचे हैं. भारत और बढ़िया कैच भारत का. भारत टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम है दोस्तों, क्योंकि लगातार 25-30 साल का अनुभव होगा क्रिकेट में. और सुनील की मैं खासा तारीफ करनी चाहूँगा, क्योंकि सुनील और भारत ने इस टीम को बहुत ही अच्छा बना के जमा के रखा है. देखिए, और इस टीम में जो आइकॉन खिलाड़ी है अजीत मोहिते, जो विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं लगातार. रतन बुआ में आपने देखा होगा कि 2 साल मैन ऑफ द सीरीज जिन्होंने हासिल की थी वो खिलाड़ी है, विकेट कीपर की भूमिका यहाँ पे निभाते हुए देख सकते हैं आप. साथ में थॉमस डाइज है, उसके बाद में मुश्ताक भाई आरफ शेख और अंगद पाटिल. अंगद पाटिल, वाह भाई. अंगद पाटिल के बारे में मुदस्सर कहना चाहूंगा कि रायगढ़ प्रीमियर लीग में 24 कप्तानों ने अंगद पाटिल के ऊपर बोली लगाई थी, यानी अपनी पसंदी दिखाई थी. उसके बाद सुमित डोंगरे 15 कप्तान, लेकिन अंगद पाटिल, और हमने देखा था रॉयल फेस्टिवल में अंगद पाटिल ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी. मोहित इनामपुरी से बिलोंग करते हैं अंगद, बिल्कुल इनामपुरी, यस. और पिछले साल भी यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप की जो मैचेस हुए थे वहां पर भी क्या प्रदर्शन किया था, ये बात होती है. चलिए मुश्ताक भाई मैदान का रुख करते हैं जहां पर मैच चलता हुआ मानगांव और दिघी के दरमियान. कंटिन्यू. ओके,
थैंक यू मुदस्सर। तो चलिए आपको फिर से एक मरतबा लिए चलते हैं दिगी की सरजमीन पर, जहां आज टेनिस के सभी महान सितारे टेनिस क्रिकेट के आपको नजर आएंगे। अजीत मोहिते जो कि इस वक्त विकेट कीपर के फराइज को अंजाम दे रहे, मुरुड एसोसिएशन के टूर्नामेंट का पहला मैन ऑफ द सीरीज का इनाम दोस्तों किसी ने प्राप्त किया था तो उसका नाम था अजीत मोहिते। दूसरे साल में हमने देखा था निशांत कड़वे ने मैन ऑफ द सीरीज का इनाम प्राप्त किया था। यहां पर अजीत मोहिते अयान इलेवन राज इलेवन मानगांव की जानिब से नाज स्पोर्ट्स डिगी फेस्टिवल चषक 2021 में खेलने के लिए उनको आमंत्रित किया है। अंगद पाटिल फिर से एक मरतबा धीरे धीरे आरफ है गेंदबाज मुदस्सर, अंगद पाटिल नहीं है शायद आरफ है, बॉडी लैंग्वेज कुछ उसी तरह से लगी, हाइट वगैरह तो यहाँ पर आरफ गेंदबाज है, लेकिन वाकई में बढ़िया गेंदबाजी रही आरफ की भी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही थी शुभम की, केवल चार रन दिए और एक विकेट हासिल किया। आरफ भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, स्लोवर गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी, आउट इन स्विंग गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण, चार गेंदों में केवल दो रन। हमारे स्कोरर जाहिद भाई हमें बता रहे कि केवल चार गेंदों में दो रन खर्च किए आरफ ने। इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हवा में खेला, दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी, खुद गेंदबाज आरफ गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की इस तरह से। आठ गेंदों में केवल चार रन बनाए साद ने, ऐसे हमारे एक्सपर्ट स्कोरर मौलाना जाहिद मुझे बता रहे कि केवल चार रन बनाए जबकि रनों की संख्या छह रन, दो विकेट के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद, देखिए क्या विविधता गेंदबाजी में आरफ के, ये एक खूबसूरती होती है गेंदबाज की, अगर आपके पास विविधता हो, आपके पास वेरिएशन हो, आपके पास मिश्रण हो, तब जाके आप बल्लेबाज को कंफ्यूज कर सकते हैं और उसके मंसूबे जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप उसको ध्वस्त कर सकते हैं। केवल दो रन दिए आरफ ने और एक विकेट भी हासिल किया। महबूब गेंदबाज राज इलेवन मानगांव की जाने से तीसरे गेंदबाज महबूब, जबकि तीन ओवर का यह मुकाबला है, मात्र रनों की संख्या बहुत ही लो स्कोर है, छह रन दो विकेट के नुकसान पर। महबूब अंपायर के बाएं जाने से गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ से हवा में खेला, सर्कल के अंदर ही खिलाड़ी तनवीर के हाथों में ये क्या भारत ने सॉरी तनवीर संबुल खानी थे, काफी मेहनत की है तनवीर ने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में और मुस्कुराहट देखिए चेहरे पे तनवीर की, क्योंकि अब मिस शॉट हुए थे, हालांकि अगर गेंद बल्ले पे चढ़ती ना तो मुश्ताक भाई गेंद सीधा सीमा रेशा के बाहर जाती थी, लेकिन मुस्कुराहट देते हुए बाहर आए थे। बहुत ही बढ़िया, उन्होंने दिन भर कल भी बहुत बढ़िया काम को अंजाम दिया था। और ये गेंदबाज भी महबूब भी अब ऑन हैट्रिक है, लगातार दो गेंदों पर दो विकेटें, श्वेब परदेसी ने कैच लिया, बिल्कुल श्वेब भाई भी एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। तो मुश्ताक भाई आज आखिरी दिन है और आपको क्या लगता है, वॉशिंग मशीन आपने टिकट खरीदा है? मैंने खुद ने खरीदा हूँ, तो क्या माने वॉशिंग मशीन हो या साइकिल हो, जरूर ये मैं चाहूंगा कि किसी एक के नसीब में आ जाए, और उसके लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, 100 रुपए का एक कूपन है आप खरीद सकते हैं। और वॉशिंग मशीन देखिए सभी अपने घर की जो महिला मंडल रहेंगी उन्होंने तो कहा रहेगा कि जाकर आज आप 100 रुपए का जरूर टिकट लेना वॉशिंग मशीन के लिए, साइकिल के लिए नहीं लिया तो चलेगा लेकिन वॉशिंग मशीन के लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर
आप साइकिल भी अपने पॉकेट में डालने में कामयाब हो सकते हैं। लक फैक्टर आज आपका काम करेगा, आखिरी दिन है। और देखिए ये कूपन देखिए कितने कम बचे, ये मेरा हाथ देखिए, बहुत कम कूपन बचे, इतने ही कूपन हमारे पास है। और अगर जल्दी नहीं की तो दोस्तों आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा और मौके पे चौका आना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, एक आज का आखिरी दिन, आखिरी दिन के कुछ ही घंटे बचे हैं, क्योंकि फिर आज शाम में वो बम्पर ड्रॉ फूटने वाला है और किसकी किस्मत का सितारा यहाँ पर चमकने वाला है। टीम तो जीतेगी ही, साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी कोशिश है रसिकों के लिए आयोजकों की तरफ से कि 100 रुपये में केवल आपको वॉशिंग मशीन और एक साइकिल। मैंने लगातार 3 दिन कहा भी हूँ कि आप अगर साइकिल भी जीतते तो अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, छोटे हो बड़े हो। राहत 11 सरवा टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि यहाँ आ जाए, टॉस कराना है। फ्रेंड्स 11 और राहत 11 सरवा। तो कूपन के लिए सभी से विनंती है, देखिए हमारे भाई कूपन खरीदने के लिए आए हैं, साइकिल लेते हैं या वॉशिंग मशीन, दोनों के लिए। वाह भाई वाह। हाले कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शादीशुदा तो नहीं होंगे शायद, लेकिन अपनी माँ या अपनी बहन को खुश जरूर करेंगे। शादीशुदा का पहली पसंद होगी वॉशिंग मशीन। जावेद भाई पसवाड़े से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से टॉस करा ले, जो अगला मुकाबला होने वाला है सरवा और फ्रेंड्स इलेवन के दरमियान, उसका टॉस करा ले। मुश्ताक भाई, जावेद भाई पसवाड़े से गुजारिश करूंगा इस मैच का टॉस उड़ाया जाए जल्द से जल्द। और अगर ऐसे मैचेस हुए मुश्ताक भाई तो यकीनन जो फाइनल होगा, जिस आज के दिन का जो निचोड़ होगा वो बिल्कुल दुरुस्त और सही होगा। और दिगी जैसे मैदान पर, इस प्लेटफॉर्म पर जो दर्शक है वो आपको देखने मिलेंगे। बिल्कुल सही। मात्र यहाँ पर देखिए बहुत ही लो स्कोरिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मुदसर ये इस प्रतियोगिता के सबसे लो स्कोर वाला मुकाबला रहा, केवल 8 रन। सही बात है, तनवीर भाई निराश होंगे, हालांकि एक स्मित हास्य उनके चेहरे पे हमने देखा था। तनवीर भाई खुद शायद गेंदबाजी के लिए आ रहे, तैयार है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तनवीर खुद गेंदबाजी करेंगे। 8 गेंदे है क्या, 8 गेंदों में 8 रनों पर अगर रोक कर रखता है मानगांव को, इस खिलाड़ी को, तिथ बसलेले सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, प्लेयर झोन मध्ये जे प्रेक्षक बसले आहेत त्यांना विनंती आहे, आपण प्लेयर झोन खाली करायचा आहे, विनंती आहे, नाहीतर आमचे व्हॉलंटियर्स येऊन तिथे तुम्हाला उठवतील आणि मग तुम्हाला बरं वाटणार नाही, त्यापेक्षा तुम्ही आपली जागा सोडावी आणि प्लेयर जे आहेत उभे त्यांना बसायला जागा द्यावी। सर्वांना विनंती आहे अगदी आयोजकांकडून की नक्की आजचा शेवटचा दिवस आहे, 2 दिवस ज्या सातत्याने शांती आणि सद्भावनेने ही स्पर्धा आपल्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात पोहोचलेली आहे, मी सर्वांना विनंती करतो मित्रांनो, हौशी रसिक, मायबाप रसिक आमचे, आणि खरंच आमच्या या भागामध्ये खूपच खेळाडूंना चांगला टॅलेंट आहे। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैच इसके बाद, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो मुश्ताक भाई, आप मेरी नजर से देखेंगे ना मुश्ताक भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अनाउंसमेंट किया हूँ, और यहाँ पर जो गर्दी हुई है वॉशिंग मशीन के लिए, साइकिल के लिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जितनी भी गर्दी है ना, कुछ कूपन्स बाकी थे ना, आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही, लगातार हमारे तरफ से अनाउंसमेंट हो भी रहा है और आज तो आखिरी दिन है, और आज कुछ कूपन्स बाकी है, मैं बताना चाहूंगा कि कितने कूपन्स बाकी है। अभी देखिए अभी यहाँ से 20 कूपन या 15 कूपन जरूर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, तो आगे भी आपको जरूर मौका मिलेगा, तो जल्दी आ जाइए यहाँ पर। सर्वांना विनंती है मित्रांनो, नक्कीच खेळाडू असतील किंवा रसिक असतील, सर्वांना या ठिकाणी स्वर्ण संधी आयोजकांकडून लाभलेली आहे मित्र म्हणेन, फक्त आपल्याला 100 रुपये मोजावे लागतील, कारण आपली इच्छा असते आपण आपल्या घरच्या लोकांना कशा प्रकारे सुखी ठेवू शकतो। एका लेखकाने एक
पुस्तक छापला होता कि हाउ टू चेंज योर वाइफ इन 30 डेज, हाउ टू चेंज योर वाइफ इन 30 डेज। एका आठवड्यात 50,000 प्रति खलास झाल्या होत्या। पण नंतर तेव्हा जेव्हा लक्षात आलं की काहीतरी पुस्तकात स्पेलिंगची मिस्टेक झाली, हाऊ टू चेंज युअर लाईफ, तेव्हा त्यांनी ती प्रती छापल्या। परंतु एका आठवड्यात 50 प्रती सुद्धा संपल्या नाही। अर्थात बोलण्याचं तात्पर्य हे आहे की आपला वैवाहिक जीवन सुखी बनवायचं असेल तर या ठिकाणी वॉशिंग मशीनची एक कूपन खरेदी करा। मी तर एक सल्ला देईन सर्व माझे वैवाहिक जे मित्र आहेत त्यांना। जावेद भाई पासवार यांना विनंती करतो, आपण आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे। टॉस फ्रेंड्स इलेवन संघाचा कर्णधार, फ्रेंड्स इलेवन के कप्तान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए आ जाए जल्द से जल्द। अजीत मोहिते हो या थॉमस डाइज हो, मुश्ताक भाई, हाल ही में जिन्होंने टेनिस क्रिकेट का नाम और खुद का नाम, मैं थॉमस डाइज के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने ये 2 साल में क्रिकेट के ये इस 2 साल में 49 हाफ सेंचुरी लगाए, 49, और इस खिलाड़ी के लिए जरूर थालियां होना चाहिए थॉमस डाइज के लिए। टेनिस क्रिकेट का सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी मारने वाला ये खिलाड़ी 2 सालों में। ओहो बढ़िया शॉट, 6 रन। थैंक यू डीजे, थैंक यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इलेवन के कप्तान, आपका इंतजार हो रहा है, जल्द आ जाइए टॉस के लिए। मैच तो यहाँ पर ख़त्म होने में है, और ऐसे अगर मैचेस हुए जल्द जल्द तो फिर मैं ये कहना ज़रूर बेहतर समझूंगा कि फाइनल भी हम 4 या 5 ओवर का खिला सकते हैं 1 रन दरमियान। और यहाँ पर विनिंग शॉट जिसे कहा जाए, चलिए तो नेक्स्ट मैच आपके सामने फ्रेंड्स इलेवन और राहत इलेवन सर्वा